Hello my dear friend, this is Sandeep Kumar. In this video, I am going to share with you a right kind of information which is very helpful to make our life awesome. So my dear friends, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो खाना हम घर से बाहर रहकर खाते हैं उसमें हमें कब कहाँ कैसे सावधानी रखनी चाहिए. तो my dear friend, सबसे पहली बात ये है कि आज की डेट में हमारी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही है डे बाई डे. ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हम लोग को का ज़्यादा चॉइस जो होता है घर के खाने के प्रति कम बाहर के खाने के प्रति ज़्यादा होता है. उसके वजह से हमारा हेल्थ का जो सिस्टम है टोटली बिगड़ चुका है और हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में इस तरह से ज़िंदगी को जी रहे हैं कि कोई हमें बतलाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है कि एक्चुअली में लाइफ को जिया किस तरह से जाता है. तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस तरह से मैं भी अनजान था और मैंने बहुत सारी गलतियां की और डे बाई डे सीखते हुए आज मैं कुछ कर पा रहा हूं, सही तरह से सोच पा रहा हूं. तो मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह से थॉट प्रोसेस में मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया मैं भी आपको कुछ शेयर कर पाऊँ जिससे आप भी अपनी लाइफ को खुल कर जी पाए और ज़िंदगी का मज़ा ले पाए. तो माय डियर फ्रेंड्स, बात हो रही थी खाने को लेकर. जी हाँ, जब हम घर से बाहर रहते हैं तो देखिए जो शहरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, वो खाने को लेकर सतर्क रहते हैं और अपने बच्चे पर भी अलर्ट रहते हैं, उन्हें भी खाने में जो सही होता है वही वो प्रोवाइड करते हैं. डियर फ्रेंड, चलिए अब हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जो छोटे शहरों में रहते हैं और गाँव में रहते हैं. तो जब कभी हम जैसे लोगों को भूख लगता है तो होता क्या है कि हम ठेले पे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो आप देखे होंगे जो ठेला होता है वो क्या होता है कि सड़क के किनारे लगा होता है या आउटसाइड एरिया में लगा होता है. आप थोड़ा गौर भी कीजिएगा, इस चीज़ को बहुत कम लोग ढूंढ आउट कर पाते हैं, अपने माइंड में नोटिस कर पाते हैं कि जो स्टॉल होता है, जो लगा होता है, जो होटल्स होते छोटे छोटे, वो एक्चुअली ऐसी जगह पर लगे होते हैं जहाँ पर डस्ट गंदगी बहुत ही ज़्यादा होता है. आप देखेंगे गाड़ी वहाँ से क्रॉस कर रहा है, बाइक वहाँ से जा रहा है, डस्ट उड़ रहा है, वो सब जाके उस फूड पर बैठ रहे हैं. लेकिन आप सोचिए, जब हम पैसे कमाते हैं तो पैसे कमाने के लिए हम अपने घर से निकलते हैं सुबह के वक्त और रात में घर इंटर करते हैं. वो तक कीमती पैसा जो मांगने से भी, जरूरत पड़ने से भी कोई देता नहीं है, वैसे उस पैसे को हम उस स्टॉल पर जाके खर्च करते हैं. और जब हम खरीद कर खाते हैं तो वही फूड हमारा जो अमृत होना चाहिए वो पॉइजन बन जाता है, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या खाना चाहिए और कहाँ का खाना खाना चाहिए. देखिए उस टाइम पे मानता हूँ कि हम जैसे लोगों को खाना बहुत ज़रूरी होता है नाश्ते के वक्त या पेट भरना बहुत ज़रूरी है, तो हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस वक्त हमें भूख लगता है तो उस वक्त हमें ये तो पता होता है कि हमें खाना है, लेकिन क्या खाना है इसके बारे में आज तक हमारा कोई भी माइंड मेकअप नहीं किया. न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में किसी ने हमें आइडिया नहीं दिया. अगर दिया होता तो हम जो भी प्रोडक्ट खाने के खरीदते हैं तो उसके बैक साइड में जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा होता है उसे हम ज़रूर पढ़ते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि अब से आप थोड़ा इस पर नोट करेंगे कि जो भी फूड आप परचेज कर रहे हैं, खरीद कर खा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आखिर में है क्या. चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं बारीकी से कि क्यों हमें बाहर के खाना को अवॉइड करना चाहिए. तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है कि बाहर का खाना खाना एक तरह से बेहतर भी है, जो अच्छी तरह से फूड को पकाते हैं, स्टोर करके रखते हैं और ताज़ा खाना को देते हैं. ताज़ा खाना कहने का मतलब क्या है कि वो शुद्ध होना चाहिए, साथ में आज का ही रेसिपी तैयार होना चाहिए. बहुत सारे लोग होटल में होता क्या है कि रेफ्रिजरेटर स्टोर रखते हैं, जो वेजिटेबल्स आते हैं वो लंबे समय तक स्टोर रहता है और हाई टेम्परेचर पर रहता है, इसके कारण वेजिटेबल की टोटल जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है. साथ में जो मसाले यूज़ करते हैं वो कौन से मसाले होते हैं, इसके साथ ही में जो तेल है वो डालडा है, वो रिफाइंड है, वो क्या है. साथ ही में जो डिशेस होते हैं, जो बर्तन होते हैं रखने के, साथ में उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं होती है. और उसके बाद जब वो तैयार होकर जो फूड हमारे सेहत के लिए, तो हमारे जीवन के लिए वो काल है. रियलिटी में बतला रहा हूँ कि आप बाहर से कोई भी होटल रेस्टोरेंट को देखेगा, बाहर से बहुत अच्छा चमकीला दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, लेकिन किचन जाके कभी देखा आपने, किचन आपने नहीं देखा है. तो डॉक्टर विवेक बिंदल सर ने एक वीडियो इस पर बनाया है होटल्स के बारे में, उसकी केस स्टडी उन्होंने की हुई है. तो मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ वाकई में ऐसा होता है और मैंने इसे रिसर्च भी किया था तो मुझे देखने को मिला था
और मैंने खुद वर्क किया हूँ होटल लाइन में, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है और मैंने इसको फेस भी किया है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि पैसा इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा हेल्थ है, लाइफ है। और जाने अनजाने में हम करते क्या है कि अपनी लाइफ की जिम्मेवारी किसी दूसरे खातों में दे दे रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहने का मतलब यही है कि हम जब भी घर से बाहर रहें तो कोशिश करें कि घर से कुछ प्रिपेयर करके लेकर जाएं। अगर ये नहीं हो पाता है तो बॉडी के सिम्टम्स के बारे में सीखना ज़रूरी है कि बॉडी वर्क कैसे करता है, बॉडी को क्या क्या बेनिफिट है, बॉडी के लिए क्या क्या बेनिफिट बेनिफिशियल फूड्स हैं। आप जूस यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंक ले सकते हैं, ड्रिंक मतलब हेल्थ ड्रिंक हो गया, मिल्क शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, फ्रूट जूस ले सकते हैं। साथ ही में देखिए अगर खाने का कुछ च्वाइस है तो बहुत सारे ठेले ऐसे भी होते हैं जो ताज़ा ताज़ा बना कर देते हैं, तो कोशिश करें कि उन जगहों को चूज़ करें जहाँ पे फ्रेश फूड बनकर तैयार होकर हमें मिल रहा है। जब हम वो खाना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। अभी आप देखिए इन दस से जब वीडियो आप देख रहे हैं तो आप खुद बॉडी में देखिएगा कि आपकी स्किन लेयर बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, मतलब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, ऑयल और फैट है वो बहुत ज़्यादा स्टोर हो गए हैं। जब हम रनिंग कीजिएगा, जब एक्सरसाइज कीजिएगा तो आप तुरंत हफने लगेगा, आपकी स्टेमिना इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। हमें अपने सेहत से प्यार कब होता है, जब ये बीमार हो जाता है, और तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। तो हमारा मकसद ही है कि हम पहले से अवेयर रहें, प्रॉब्लम आने से पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढ लें, क्योंकि देखिए हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा कीमती है। जब ये बीमार हो जाता है इसके सिस्टम को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, और उस समय हर व्यक्ति सोचता है कि मैं इस फेज से बाहर कैसे निकलूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने घर के आसपास या पूरे लोकेलिटी में नज़र घुमाकर देखोगे तो पाओगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे हम अंकल कहेंगे या आंटी कहेंगे या हमारे एज के लोग होंगे, तो उनका पेट बाहर आ जाता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि उन्हें हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में मालूम नहीं है, और हम बचपन से हमारी जो ग्रोथ होती है इन लोगों को देखकर होती है। तो होता क्या है कि हमारे माइंडसेट में ये सेट हो जाता है कि हेल्थ ऐसा ही होता है, और जब हम सेलिब्रिटी बॉलीवुड वाले लोग को देखते हैं तो क्या सोच होता है, यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे पास तो एजुकेशन है लेकिन राइट एजुकेशन, राइट नॉलेज नहीं है, जिसके सबसे बड़ा कारण है हमारे खुद की मेंटलिटी ग्रोथ के ऊपर में। तो हमें माई डियर फ्रेंड, हमें करना क्या है कि हमारे जो रॉन्ग माइंडसेट बने हुए उसे क्रैक करना है, उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ना है, और राइट थिंकिंग के बारे में सोचना है, और खुद को भी ग्रो करना है, और हमारे आसपास जितने सारे लोग हैं उन्हें भी राइट एजुकेशन के बारे में समझाना है। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और, जब हम खुद सीखे हुए रहेंगे तो ही ना हम अपने घर के छोटे छोटे जो हमारे भाई बहन उन्हें समझा पाएंगे, सिखला पाएंगे। तो हमारा मकसद यही है कि राइट नॉलेज सभी के पास पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।